राजा जी का पुराने तक सदन नेक्स्ट डे। सभापति महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश की सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुवत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनंद शर्मा जी ने स्टेटस को की बात कही है, मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। हमारे फॉरवर्ड डिफेंस मिनिस्टर जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात यह कही है और कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ यह वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं। सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों मैंने सुझाव दिया। हाँ, लिया है शर्मा जी, लिया है कागजियां से। धन्यवाद सारे लोगों ने जो विचार व्यक्त किया उसको, धन्यवाद राजनाथ जी। मैं और एक बार स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। आई एम रियली पेन्ड। जो सिस्टम अभी मैंने जो सीखा उसमें यह है, जब जो नाम भेजते हैं उनको बुलाता हूँ, तो किसी ने सडनली रिक्वेस्ट किया तो भी देता हूँ, बट उसके ऊपर झगड़ा होना अच्छा नहीं है। धन्यवाद सबको, और रक्षा मंत्री ने विस्तार से बताया और सभी पार्टियों ने साथ दिया देश के हित में। हम सब लोग एक है, इस मैसेज से देशवासी संतुष्ट हो जाएंगे। The house is adjourned to meet at